नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर इन दिनों उठापटक है। फिलहाल राज्यसभा से बेटिकट हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबियों पर नीतीश कुमार की नजर टेढ़ी हो गई है। इसी के तहत पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता डॉक्टर अजय आलोक को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। इसके साथ ही प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी कर दिया है। अजय आलोक के अलावा जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन कुमार यादव और भंग सुधार सेनानी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अजय आलोक ने आरसीपी सिंह के पक्ष में प्रतिक्रिया दी थी। इसी तरह अनिल कुमार, विपिन कुमार उनके प्रति गहरी आस्था रखने वालों में थे। वो उनके पक्ष में लोगों को फोन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अजय आलोक को बीजेपी का करीबी भी बताया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, पार्टी के पदाधिकारी दल को मजबूत और सशक्त करने के लिए बनाए जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी पूरी क्षमता या ऊर्जा का इस्तेमाल पार्टी और पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार को मजबूत बनाने में लगाएंगे। इसके विपरीत पिछले कई माह से जिलों से लगातार सूचना मिल रही है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी दल हित के विपरीत पार्टी का समानांतर कार्यक्रम चलाने की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी पदाधिकारी के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संवाद स्थापित कर भ्रमित कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर बात कर ऐसे कृत्यों से परहेज करने का परामर्श दिया गया, इसके बावजूद ऐसे कृत किए जा रहे हैं जो दल विरोधी है। बता दें, जदयू ने जब 9 जून को कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी वाला पत्र जारी किया था, उसी समय यह साफ हो गया था कि कुछ नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और टिकट कटने के बाद आरसीपी समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे में 4 लोगों को हटाकर पार्टी ने कड़ा मैसेज दिया है। अन्य कुछ और पर भी गाज गिर सकती है। बहरहाल, पार्टी के द्वारा लिए गए एक्शन के बाद अजय आलोक ने ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुन लेते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त।